आज लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक रोड शो निकाला गया। इस रोड शो के दौरान ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अलग अलग शहरों में बीजेपी की तरफ से इस तरह के रोड शो निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के इन वर्करों के सिर पर ना तो हेलमेट था और मोटर बाइक पर भी वे खड़े होकर चल रहे हैं। इस दौरान कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इलेक्शन का टाइम आ गया। जी अज युवा मोर्चा की स्कूटर रैली से सारे इंडिया च एक जागरूकता एक अवेयरनैस लियाण वास्ते है कि तैयार हो जाओ सारे आने वाले इलेक्शन वास्ते। असी अगली सरकार फिर मोदी सरकार लैके आनी है तो इस बार 400 पार। इदा ये जड़े केले या जो भी तुसी कह रहे हो ये स्वच्छ भारत असी शब्द भी नहीं सुने सी मोदी जी के आने तो पहला। सारा देश क्लीन हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है, एक दिन च नहीं हों टाइम लग। ये स्कूटर रैली है, असी पूरी व्यवस्था बना के असी दो लाइन च सिस्टम च चले हाँ। जो आने वाला ट्रैफिक है वास्ते जगह छड़ी है। रैली है ना, मैं नहीं देखिया जी, जो देखा फिर कोई गल नहीं बारे भी दस देंगे। इन्होंने जी ऑटोमैटिकली इन्हों का है जो भी रैली रूली तो आ रहे यूथ आ नहीं समझते इन्होंने तो आप समझना चाहिए भी जो आप रोड पर जा रहे हैं सानू अपनी सुरक्षा वास्ते हेलमेट पा के चलना चाहिए। इन्होंने सर रूल तोड़न ट्रैफिक नियमों के खिलाफ जी रूल तोड़न उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करा।